हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्टके TTL 54S सीरीज़ की। देखिए लॉजिक फैमिलीज में जो तीन तरह की जो लॉजिक फैमिली TTL फैमिली थी वो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बाकी दो जो शॉर्टके TTL और लो पावर शॉर्टके TTL सीरीज जो रह गई थी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्टके TTL 54S/74S00 सीरीज़ जो होती है इसमें क्या होता है कि ये जो फैमिली होती है या ये जो सीरीज़ होती है TTL लॉजिक गेट्स की, ये हाईएस्ट स्पीड होती है अमॉन्ग TTL गेट्स में। मतलब TTL लॉजिक फैमिली में जितनी भी हम लोग 4-5 तरह की लॉजिक फैमिली पढ़ते हैं TTL टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसमें जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो शॉर्टके TTL सीरीज़ की होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें हाईएस्ट स्पीड कैसे अचीव करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक शॉर्टके बैरियर डायोड का यूज़ करते हैं एज ए क्लैम्प फ्रॉम बेस टू कलेक्टर ऑफ ईच सर्किट ट्रांजिस्टर। यानी कि हाईएस्ट स्पीड या फास्टेस्ट स्पीड कैन बी अचीव्ड by using a Schottky barrier diode SBD as a clamp from base to collector of each circuit transistor। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमको हाईएस्ट स्पीड मिल जाती है या फास्टेस्ट स्पीड मिल जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रांजिस्टर में बेस से कलेक्टर के बीच में, देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये इसका बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, तो बेस और कलेक्टर के बीच में हम यहाँ पे एक शॉर्टके बैरियर डायोड कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका सिंबल जैसे देखिए ये हुआ और ये हमने इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो ये एक शॉर्टके बैरियर डायोड जो है कनेक्ट कर दिया हमने एक ट्रांजिस्टर में, बेस और कलेक्टर के बीच में हमने इसको क्लैम्प कर दिया। अब ये तो हो गया आपका ट्रांजिस्टर एंड शॉर्टके बैरियर डायोड क्लैम्प अप। मान लीजिए आप शॉर्टके बैरियर डायोड का आप सिंबल अगर आप दिखाना चाहें ट्रांजिस्टर के साथ में, क्लैम्प के साथ में, तो इसको अलग अलग दिखाने के बजाय आप सिंबॉलिक रूप से आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये ट्रांजिस्टर लिया, ठीक है, ये हो गया इसका एमिटर टर्मिनल और अलग से बजाय हमने यहीं पे ये इस तरह से इसका शॉर्टके डायोड का सिंबल यहाँ पे कर दिया। तो ये जो है एक तरह से जो हमने सर्किट लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है इसी का सिंबल हो गया। तो आप लिख सकते हैं सिंबल फॉर ट्रांजिस्टर विद शॉर्टके बैरियर डायोड क्लैम्प, विद शॉर्टके बैरियर डायोड क्लैम्प। तो ये उसी चीज का सिंबल हो गया। और ये जो लेफ्ट साइड में हमने फिगर बनाई हुई है ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर एंड शॉर्टके बैरियर डायोड क्लैम्प, ट्रांजिस्टर एंड शॉर्टके बैरियर डायोड क्लैम्प। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शॉर्टके बैरियर डायोड दैट मेक इट यूजफुल आर इट्स लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। यानी जो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है काफ़ी लो, मतलब 0.25 वोल्ट, एंड इट्स फास्ट स्विचिंग स्पीड। तो शॉर्टके बैरियर डायोड का ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो लो वोल्टेज ड्रॉप, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप यानी 0.25 वोल्ट, और दूसरा जो होता है इसकी फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से शॉर्टके बैरियर डायोड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब इसको हम जब क्लैम्प की तरह यूज़ करते हैं कि व्हेन यूज्ड एज ए क्लैम्प the Schottky barrier diode diverts most of the excess base current, तो जितनी भी बेस करंट आ रही है ट्रांजिस्टर में उसमें जो एक्सेस बेस करंट है उसको क्या करता है, ये डायोड के थ्रू पास कर देता है, ठीक है। तो व्हेन यूज एज ए क्लैम्प द एसबीडी डाइवर्ट्स मोस्ट ऑफ द एक्सेस बेस करंट एंड प्रिवेंट्स द ट्रांजिस्टर फ्रॉम रीचिंग सैचुरेशन। तो जो एक्सेस करंट है उसको जब ये ऐसे बाईपास कर देगा तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन पहुंचने से पहले वो रोक लेगा या रोके रहेगा सैचुरेशन में जाने से। और इससे क्या होता है कि दिस रिड्यूसेस द एवरेज प्रोपोगेशन डिले टू 3 नैनो सेकेंड फॉर ए टिपिकल नैंड गेट, मतलब कि एवरेज प्रोपोगेशन डिले जो है वो 3 नैनो सेकेंड तक हो जाता है टिपिकल नैंड गेट के लिए, ठीक। अब इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है Schottky TTL डिवाइसेस में कि Schottky TTL डिवाइसेस जो होती हैं दे आर वेरी फास्ट एंड आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट 100 मेगाहर्ट्ज। तो मतलब ये स्पीड में भी फास्ट होती हैं एंड दे कैन ऑपरेट एट ए फ्रिक्वेंसी अप टू 100 मेगाहर्ट्ज, यानी हाई फ्रिक्वेंसी तक भी ये ऑपरेट कर सकती है। अब अगर हम 74S00 सीरीज़ की बात करें तो इट हैज़ ए प्रोपोगेशन डिले ऑफ 3 नैनो सेकेंड एंड एन एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ। एक तो फ़ायदा ये हो गया Schottky TTL यूज़ करने से कि एक तो इस डिवाइसेस फास्ट हो जाती हैं, दूसरे ये कैपेबल हो जाते हैं 100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक काम करने के लिए, और तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि जो 74S00 सीरीज़ है हैज़ ए प्रोपोगेशन डिले ऑफ 3 नैनो सेकेंड एंड एन एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ अबाउट 20 मिलीवाट पर गेट। तो यानी ये जो सीरीज़ हम लोग बात कर रहे हैं 74S00, तो ये जो Schottky TTL की जो सीरीज़ होती है 74S00 ये जो सीरीज़ होती है Schottky TTL की, ठीक है, इनका जो प्रोपोगेशन डिले होता है, इनका प्रोपोगेशन डिले तकरीबन होता है ये तकरीबन होता है 3 नैनो सेकेंड तक, ठीक है, एंड एन एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ अबाउट 20 मिलीवाट पर गेट। और जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है, एवरेज पावर डिसिपेशन, ठीक है, ये करीब होता है 20 मिलीवाट पर गेट, ठीक। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद करैक्टरिस्टिक होती है जब TTL लॉजिक फैमिली में हम Schottky बैरियर डायोड यूज़ करते हैं, तो ये एडवांटेजेस अपने आप ही इसके साथ जुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी में वो हम पढ़ते हैं लो पावर Schottky TTL। नेक्स्ट इज लो पावर Schottky TTL, या इसको बोल सकते हैं 74LS00 सीरीज, ठीक है। तो देखिए 74LS00 सीरीज में क्या होता है कि बाय इंक्रीजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज यूजिंग Schottky डायोड्स manufacturers have come up with a compromise between low power and high speed, ठीक है। तो एक जो Schottky TTL में एक तरफ तो फ़ायदा ये था कि लो पावर कंजम्पशन था, लेकिन दूसरा क्या था, कि हाई स्पीड था। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके और Schottky डायोड को यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरर्स हैव कम अप विद ए कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन लो पावर एंड हाई स्पीड। तो लो पावर और हाई स्पीड के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ इस्टेब्लिश किया मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है। और कैसे इस्टेब्लिश किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा के। तो इनके बीच में एक तरह से एक ट्रेड ऑफ जो है इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और इस तरह एस्टेब्लिश करने के बाद जो सीरीज आई वो सीरीज आई लो पावर शॉर्ट के टीटीएल, ठीक है, दैट सीरीज कॉल्ड लो पावर शॉर्ट के टीटीएल। इट कंपेयर्स फेवरेबली विद द स्टैंडर्ड टीटीएल इन स्पीड एंड रिक्वायर कंसिडरेबली लेस पावर। तो ये जो लो पावर शॉर्ट के टीटीएल था ये तकरीबन जो स्टैंडर्ड टीटीएल था आपके स्पीड में उसके बराबर था और पावर कंजम्पशन में ये उससे कम पावर लेता था, ठीक। तो इसलिए ये लो पावर शॉर्ट के टीटीएल डेवलप किया गया। अब इसमें जो लो पावर शॉर्ट के टीटीएल में जो डिवाइसेस थी उनकी जो नंबरिंग की गई वो इस तरह की गई, देखिए 74 LS, ठीक है, 00 ये हो गया, फिर हो गया आपका 74 LS, 74 LS ये हो गया आपका 01, फिर ऐसे ही 74 LS 02, 74 LS 02 एटसेट्रा, यानी और भी डिवाइसेस के ऐसी नंबरिंग की गई। अब इसमें क्या था कि ए लो पावर शॉर्ट के गेट हैज़ ए पावर डिसिपेशन ऑफ अराउंड 2 मिलीवाट। तो जो लो पावर शॉर्ट के गेट था, लो पावर शॉर्ट के गेट था, उसका जो पावर डिसिपेशन था वो तकरीबन अराउंड 2 मिलीवाट था, ठीक है। और प्रोपेगेशन डिले जो था, प्रोपेगेशन डिले वो तकरीबन था आपका 9.5 नैनोसेकेंड, 9.5 नैनोसेकेंड। तो इसका मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा के एक ट्रेड ऑफ एस्टेब्लिश किया गया, या एक बीच का समझौता बनाया गया, या एक बीच का पॉइंट निकाला गया जिसमें जो पावर डिसिपेशन था वो भी कम था और जो प्रोपेगेशन डिले था वो भी, यानी स्पीड भी उतनी फास्ट थी, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्टकट टीटीएल सीरीज एंड लो पावर शॉर्टकट टीटीएल सीरीज। और बाकी के जो 3 सीरीज थी वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। स्टैंडर्ड टीटीएल था, लो पावर टीटीएल था और हाई स्पीड टीटीएल था। तो आई होप कि आपको टीटीएल सीरीज जो है, टीटीएल फैमिलीज क्लियर हो गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।